अभी मैं दोनों साथ में भेज दूंगा, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ था नहीं वैसे। पर हमारा जो टेस्ट वेस्ट का रिजल्ट मिल जाए, मतलब ऑफिशियल रिजल्ट जो मतलब मिलते हैं हमें वो। हाँ, वो आपकी OMR एक बार ऑफिशियली चेक कर लूँ मैं, और जो अभी बनी है लिस्ट उसको और जिन बच्चों ने ऑनलाइन दिया है उन दोनों का अलग अलग रिजल्ट में ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ओके अच्छा, आपका अगला ऑफलाइन टेस्ट होगा 2 2 वीक के बाद, मतलब 5 नवंबर को, ठीक है। तो ओके सर, ये ओके डेट सर, ध्यान रखना। सेंटर या होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो ही रखेंगे जो इस बार रखा था, क्योंकि वहां पे अच्छा है सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी, और मतलब मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे। किसी को दिक्कत तो नहीं आई थी आने में? नो रास्ता दिख सर, गया तो नो सर, आराम से, ठीक है। मेट्रो स्टेशन से मतलब आधा किलोमीटर दूर भी नहीं, बहुत पास मेट्रो स्टेशन से, जैसे बाहर उतरोगे वो आ जाता है। दूसरा, अगर मान लो IN डिजिटल जोन मिल गया कहीं पे और सेंटर में, तो वो ट्राई कर लेंगे, नहीं तो सेंटर यही रखेंगे। तो अगला जो डेट होगी मोस्ट प्रोबेबली 6 नवंबर ही रहेगी, दिवाली के पहले वाला वीक, क्योंकि 12 नवंबर की तो आपकी दिवाली है। तो 5 नवंबर को आपका टेस्ट रखेंगे, उसका सिलेबस भी मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा क्या आएगा क्या नहीं। बस सर आपको इसके बाद वाला आएगा ना, मतलब कि स्टार्टिंग से सारा लेके आएगा। हाँ, मेजर टेस्ट ही होगा, तो मैं आपको बता दूंगा जो जो भी चीज आपने पढ़ी हो तो सभी आनी है, ठीक है। ऑफलाइन ओके जो भी सर, टेस्ट होंगे सारे मेजर टेस्ट होंगे, ऑनलाइन में आपके चैप्टर टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है। चलो नाउ अगला टॉपिक है अपना कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है ना। अच्छा, इस क्या सर मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन का, जल्दी से बताओ, कहाँ पे देखा आपने, क्या होता है इसका मतलब, एग्जाम्पल दे दो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या है, जो मन में है बता दो, गलत ही होगा ज्यादा से ज्यादा। दो फंक्शन, दो फंक्शन को क्या करें, बोलो कुछ तो सर बोलो। एक का डोमेन दूसरे के रेंज से जुड़ा रहता है। हाँ, वो तो चलो उसकी प्रॉपर्टी जो बाद में देखते हैं, लेकिन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, दो फंक्शन का कंपोजिशन मतलब क्या। सर दो फंक्शन से मिलके बनाओ, हाँ, दो फंक्शन से सर एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो। क्या क्या क्या, F'(x)। यस सर, एफ ऑफ जी जी एक्स। हाँ, बेसिकली कंपोजिशन करना मतलब मिक्स करना, दो फंक्शन को आपस में मिक्स कर दो, दो फंक्शन से मिलके कोई फंक्शन बन जाए, ठीक है। आपने फॉग ऑफ पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे मान लो sin(x³), ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि तो दो तरह के फंक्शन है, लेकिन वो अलग, देखो एक चीज तो क्या होती है sin(x) और (x³), क्या ये कंपोजिशन फंक्शन है? नो सर, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन आपस में क्या है, प्रोडक्ट में आया ना, यस सर, आपस में क्या है, प्रोडक्ट में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो रहा है। मतलब अगर मान लो एक फंक्शन को मैं sin(x) मानू, एक फंक्शन को क्या मानू मैं sin(x), दूसरे फंक्शन को मैं x³ मान लू, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, साइन के अंदर ये वाला फंक्शन डाल रहा हूँ, आया यस सर, ना। बेसिकली एफ के अंदर जी अपन रख रहे हैं, तो एफ के अंदर जी रख रहे हैं, मतलब एफ के अंदर एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, जी रख दिया। मतलब एक फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन इनपुट कर रहा हूँ, तो इस फंक्शन को क्या बोलता हूँ मैं, कंपोजिशन फंक्शन। तो एफ के अंदर अपन जी रखेंगे, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फॉग, आया ना, क्लियर हो यस गया। सर, F(g)x, ये क्या हो जाएगा आपका F(g)x, ठीक है। या तो F(g)x हो या फिर G(f)x हो, आया ना। जी के अंदर FX रख दो तो बताओ कितना आएगा, जी के अंदर FX रख देंगे तो बताओ, यहाँ पे अगर ये FX है, जी के अंदर साइन की FX, क्यूब एक्स, हाँ साइन का एक्स का होल क्यूब, क्लियर है, बोलो, यस सर, ठीक है। तो ये बेसिक होता है FX(g)x का, इसमें लेकिन क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं, मतलब ज्यादा तो क्या अच्छे नहीं, मतलब ठीक है, बस बेसिक फंडामेंटल इसका क्लियर होना चाहिए। एफ से अपन जी जा रहे हैं, जी से अपन एफ जा रहे हैं, तो फॉग और गॉफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक सिंपल लॉजिक बताओ आप मुझे, कि आपके पास दो फंक्शन है FX(g)x, आप मान लो यहाँ पे गॉफ बना रहे हो, जी ऑफ एफ एक्स बना रहे हो, तो इस गॉफ फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन किसकी डोमेन के बराबर होगी, ये बताओ। यहाँ पे मान लो ये रही, यहाँ पे मान लो इसकी डोमेन है -1 से 1, सॉरी इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
जैसे मान लो एक ले लिया अपन ने ln x और दूसरा ले लो कुछ भी x क्यूब ले लो। जैसे यहाँ पे डोमेन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना, यहाँ पे डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो मुझे बताओ ये जो gofx फंक्शन होगा इसकी डोमेन क्या होगी, बोलो x एलिमेंट ऑफ r क्या होगा, क्या एलिमेंट ऑफ r क्या होता है, x की वैल्यू क्या से क्या होगी, सिंपल है g ऑफ fx से। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या अलाउड होगी, कुछ भी रख सकता हूँ, बोलो सर इंटरसेक्शन लेना चाहिए दोनों का वैसे तो, क्यों होगा ऑल रियल नंबर, देखो ध्यान से मुझे लगा ये पता होगा आपको, ठीक है कोई बात नहीं, g ऑफ fx की मैं बात कर रहा हूं, तो g के अंदर अपन fx रख रहे हैं, तो बेसिकली x मेरा किसके अंदर जा रहा है, ये एक मशीन है ऐसा समझो, एक क्या है बड़ी मशीन है, x सबसे पहले किसके अंदर जा रहा है, f के अंदर जा रहा है, हाँ ना, बोलो यस सर। तो यहाँ पे डिफाइन होगा तभी तो ये आउटपुट देगा, सपोज अगर यहीं पे डिफाइन हुआ तो दिक्कत आ जाएगी, क्लियर है, सबसे पहले मेरा x किसके अंदर जाएगा, f के अंदर जाएगा, फिर वो जो आंसर आएगा वो g के अंदर जाएगा ना, देखो बेसिकली ये मशीन है, आपको गोफ बनाना है, क्या बनाना है गोफ, तो x पहले मेरा किसके अंदर जाएगा, f के अंदर जाएगा, f के अंदर जाने के बाद वो fx किसके अंदर जाएगा, g के अंदर जाएगा, आया ना, r क्या निकलेगा गोफ निकलेगा, क्लियर हो रहा है, स्टार्टिंग तो कहां से हो रही है, f से हो रही है, तो जो डोमेन f की होगी वही डोमेन इसकी होनी चाहिए, आया ना, जो डोमेन f की होगी वही डोमेन इसकी होनी, तो अब बताओ यहाँ पे डोमेन क्या होगी, इक्वल टू द डोमेन ऑफ बेसिकली गोफ की जो डोमेन होगी g ऑफ fx, इसकी कभी भी डोमेन जो होगी वो किसकी डोमेन के बराबर होगी, fx की डोमेन के बराबर, क्लियर हो रहा है, क्योंकि बेसिकली पहला इनपुट तो f के अंदर ही जाएगा ना, और यहीं पे अगर मान लो अलाउड नहीं होगा तो आगे तो कुछ मशीन प्रोसेस ही नहीं करेगी, फॉर एग्जाम्पल ये गेहूं की मशीन है, आया ना, इसमें मान लो अपने पत्थर डाल दिए तो आगे कुछ जाएगा क्या, नो सर, नो सर, तो पहला तो आपको यही देखना पड़ेगा भाई यहाँ पे इनपुट अलाउड है कि ना अलाउड है, आगे समझ में, यस सर, यस सर। अच्छा इसकी रेंज के बारे में कमेंट कर सकते हैं क्या अपन, सोचो थोड़ा, इसकी रेंज के बारे में मैं कमेंट कर सकता हूँ, वो जी एफ की रेंज के बराबर होगी, जी की रेंज के बराबर होगी, या फिर कुछ और होगी, क्या होगी, सोचो थोड़ा सा कुछ जो तो आपको सही लगता है, गलत होगा चलेगा लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो आंसर, सर रेंज के बराबर होगी, रेंज किसके बराबर होगी, जी के, जी के, ठीक है, और कोई आंसर इसके अलावा नहीं लग रहा था। हाँ मुस्कान क्या कह रहे हो, एक बार वापस जोर से बोलना, जी एक्स के बराबर होगी, एग्जैक्टली, नो सर, क्यों, फंक्शन ऑफ एक्स की भी तो रेंज होगी, नहीं नहीं एफ एफ तो जी के अंदर जा रहा है ना, यस सर, तो मैं कहता हूं फाइनल आउटपुट पूछ रहा हूं, फाइनल जो गोफ आएगा उसकी जो वैल्यू होगी क्या वो जी की वैल्यू के एग्जैक्टली बराबर होगी या उसका सबसेट होगी, सबसेट होगी, सबसेट है ना, क्योंकि देखो जी के अंदर, अब देखो बेसिकली क्या है, अच्छा पहले बताओ जी की रेंज क्या थी अभी यहां पे, जी की रेंज बताओ एक्स क्यूब की, अरे बोलो सर, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर ना, इतना टाइम लगा रहे हो, डर लगता है, क्या कर रहे हो, रेंज सिखाया कि नहीं, यस सर, एक्स की वैल्यू कुछ, एक्स क्यूब की रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी ना, एक्स को कुछ भी रखो वाई तो कुछ भी आ सकता है, हाँ ना, बोलो यस सर, यहाँ पे जब गॉफ एक्स है, अब जी, अब बेसिकली इस बार जी के अंदर एफ एक्स जा रहा है, और एफ एक्स कैसा है, एल एन एक्स है, यस सर, आया ना,
fx के साथ lnx, तो अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि fx की रेंज क्या है। अब fx की रेंज क्या है इस केस में, तो ऑल रियल नंबर है log की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर ऑल रियल नंबर है तो आउटपुट भी ऑल रियल नंबर आएगा। लेकिन अगर मान लो ये पॉजिटिव नंबर होता, अगर ये क्या होता पॉजिटिव, तो इसका आउटपुट भी क्या आता पॉजिटिव आता है ना। तो बेसिकली क्या होगी, जो रेंज ऑफ गॉफ होगी वो क्या होगी, इट इज द सबसेट ऑफ वो जी का कुछ ना कुछ पार्ट होगी, पूरा के पूरा जी नहीं होगा, जी का कुछ ना कुछ क्या होगी पार्ट, हाँ है ना, हो सकता है पूरा भी हो जाए किसी केस में या फिर क्या होगा पार्ट होगा। क्लियर हो गया? यस सर। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है जनरली बुक्स में जो दे देते हैं डायरेक्ट लाइन, लेकिन आपको फीलिंग से समझना है कि डोमेन गॉफ की किसके बराबर होगी, जो भी एक्स जो एफ एक्स की डोमेन होगी, क्योंकि इनपुट एक्स के अंदर जा रहा है, और जो रेंज होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि एफ एक्स क्या आ रहा है, क्योंकि अब पहले तो क्या था कि एक्स को कुछ भी रखो, लेकिन इस बार जी के अंदर एफ एक्स जा रहा है, तो जो एफ एक्स की रेंज होगी वो जी के अंदर जाएगी, तो जी का जो बेसिकली गॉफ की जो रेंज आएगी वो जी का कुछ ना कुछ क्या होगी, सब पार्ट होगी, पूरी की पूरी जी के बराबर नहीं होगी। ठीक है, चलो यहाँ तक थोड़ा बेसिक लॉजिक था, इसमें आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। तो दो तरह के फॉग एक्स होते हैं, गॉफ एक्स होते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन ले रखा है, जैसे अपने एक्स क्यूब लिया था, यहाँ एक्स स्क्वायर ले लिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एफ एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जी बी से सी बना दिया है। देखो ध्यान से, तीन सेट बनाए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ए बी सी। ए से जो बी जा रहा है वो फंक्शन जा रहा है एफ, ए से बी के बीच में फंक्शन कौन सा है एफ है, और बी से सी के बीच में फंक्शन है जी। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी गॉफ वन की, एफ एक्स आपका ये रहा, जी एक्स आपका ये रहा, सिक्स सर। पक्का? यस सर, सिक्स। बाकी तीन भी निकालो, आ गया आंसर? यस सर। ठीक है, अब देखो जी ऑफ एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स रखना है, तो एक्स को वन रखोगे यहाँ पे एफ के अंदर, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो बोलो कितनी आएगी यहाँ पे वन रखने पे सर? टू। टू आएगी, टू। अब जी के अंदर टू रखना है, तो क्या जी के अंदर टू अलाउड है? जी की डोमेन क्या है? देखो ध्यान से, गलती कर दी आप लोगों ने, इसलिए कहा था ध्यान से करो, गलती करवाई कि नहीं करवाई, कि गलती समझ में ही नहीं आ रही है। सेट बी देखो क्या है, सेट बी के अंदर क्या क्या आ रहा है, 1 3 5 7 आ रहा है, क्या सेट बी के अंदर टू है? नो सर। तो ये तो इसकी डोमेन में नहीं है ना, तो अंदर जाएगा क्या? सर नहीं जाएगा। इसकी कोई वैल्यू आएगी क्या? सारे बच्चों ने आंसर गलत दिया था शायद मेरे हिसाब से, कोई चैट बॉक्स में अगर अलग दे रहा हो तो पता नहीं, हाँ किसी का भी आंसर सही नहीं था, करवा दी गलती, कहा था मैंने, देखो छोटी छोटी चीजें होती है। आपने डायरेक्ट बस क्या करा होगा, जी के अंदर एफ रखा होगा, फटाफट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल, आपने ये यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ बल्कि मैं, आपने तो मैंने अगर चलो डायग्राम बनाने के बाद भी आपने नहीं देखा। अब बताओ अगली गॉफ टू की वैल्यू 15। अच्छा फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आया क्यों नहीं हो रहा है? यस सर। जी ऑफ टू, अब जी के अंदर टू जा ही नहीं सकता क्योंकि इसकी डोमेन में नहीं है ना, डोमेन में 1 3 5 7 ही है। अब देखो टू रखेंगे तो टू रखने पे अगर एफ एक्स में टू जाएगा, एफ ऑफ टू कितना होगा, जी ऑफ एफ ऑफ टू, एफ के अंदर अगर टू जाएगा तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ फाइव, हाँ सॉरी जी ऑफ फाइव, मतलब बेसिकली इसकी वैल्यू फाइव आ जाएगी। क्या जी के अंदर फाइव जा सकता है? हाँ जा सकते हैं। अब यहाँ पे फाइव रख दोगे तो आउटपुट कितना आएगा, 15। लेकिन क्या 15 है? नो सर। नहीं, तो अगेन समझ पा रहे हो? यस सर। कोडोमेन क्या है इसकी, सी है, और कोडोमेन में है ही नहीं 15, तो आप मैपिंग कर सकते हो क्या?
आपने टू रखा, टू से आपका आंसर आ गया फाइव, ठीक है, लेकिन फाइव से आगे कुछ जा पाओगे क्या, कहाँ जाएगा बताओ, समझ पा रहा है? नो सर, नहीं जा पाएंगे। नहीं आया, नहीं आया समझ में? सर आ गया, आ गया सर। ठीक है, यस सर। अब गॉफ थ्री की वैल्यू बताओ। नो वैल्यू। हाँ, एक्स की जगह थ्री रखोगे तो कितना आएगा, थ्री थ्री नाइन, नाइन माइनस वन एट, एट। अब जी के अंदर एट जा सकता है कि नहीं जा सकता, इसकी वैल्यू सर आ गया समझ में? कैसे चल रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे आप जब गॉफ की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया गॉफ कहां से कहां तक होगा। जैसे यहाँ पे देखो एफ ए से बी हो रहा है, जी बी से सी हो रहा है, तो गॉफ कहां से कहां तक होगा? गॉफ का इनपुट कहां से जा रहा है, कौन से सेट से जा रहा है इनपुट? ए से, ए से है ना, पहले सबसे पहला इनपुट कहां से जाएगा, एफ एक्स के अंदर जा रहा है। आपको बताया था गॉफ की डोमेन एफ एक्स की डोमेन के बराबर होगी, तो बेसिकली इनपुट कहां से जाएगा, ए से, और जो रेंज होगी वो किसका सबसेट होगी, इसका, जी की रेंज का। गॉफ कहां से हो जाएगा, सी का, है ना, ध्यान रखना। तो देखो ये एक छोटा सा डायग्राम है जो जनरली कंफ्यूज करता है बच्चों को। यहाँ पे मैंने क्या बनाया देखो ध्यान से, एक ए सेट था, सेट बी था, सेट सी था, ध्यान समझना बच्चों। यहां से यहां तक फंक्शन है एफ, यहां से यहां तक फंक्शन है जी। अब मुझे बनाना है गॉफ, तो एफ ए से बी है, जी बी से सी है, तो बताओ गॉफ कहां से कहां तक होगा? ए से सी, ए से सी होगा। गॉफ कहां से कहां तक होगा? ए से सी, तो ध्यान रखना, ये नहीं, इसको मत भूल जाओ, सी से ए मत कर देना, जल्दबाजी में बच्चे सी से ए कर देते। गॉफ कहां से कहां तक होगा? ए से सी। और फॉग? सी से। हाँ, फॉग मतलब देखो एफ ऑफ जी एक्स, अब एक्स का इनपुट क्या होगा, तो जी का इनपुट होगा, है ना, और जी का इनपुट कौन है, सी है। स्टार्ट कहां से होगा? सी से, और एंड कहां तक जाएगा? ए तक। क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। ये कुछ फंडामेंटल था, आपने अभी गलती करी, अगली बार आप ध्यान रखोगे कि ये गलती हमसे ना हो। चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये करो, यहाँ पे एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन जी दिया हुआ है, फंक्शन हाँ एफ के बारे में बता रखा है ये है, जी के बारे में बता रखा है ये है। आपको पता करना है गॉफ क्या आंसर क्या आएगा, करो ट्राई एक बार खुद से। डायग्राम बना लो, नहीं समझ में आता है तो, या फिर जैसा भी तुमको करना करो। सर थ्री वन ही आ रहा है, एक ही आ रहा है सर, थ्री और वन। अच्छा क्या लिखूं, थ्री कोमा वन, ये आ रहा है आंसर, बोलो। अरे कुछ तो बोलो, हेलो आया ना? नो सर। तो क्या आ रहा है सर, इनपुट के साथ लिखे थे, लिखेंगे तो अलग आएगा। मतलब मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है फाइनल, बाकी और किसी का आंसर आया तो बताओ सर। 2.3, 2.3 एक, 5.1 तो एक आंसर आ रहा है, 2.3 5.1, और बस यही है, और सर 4.1 4.3 ठीक है, एक आंसर ही आ रहा है। किसका आ रहा है? हरिओम। यस सर। ठीक है, और किसी का आंसर, बाकी लोग, एनीवन एल्स, जल्दी बताओ क्यों क्यों नहीं हो पा रहा है? गॉफ पूछा है, जी के अंदर एफ एक्स रखना है, बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो। अरे बोलो, करवा दो सर। अरे मैं तो करवाऊंगा ही सही, आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है?
सर 1.3 और 3.1 आ रहा है। 1 ठीक है 1.3 और 3.1 वेरी गुड। मतलब आंसर पता नहीं मुझे क्या है लेकिन एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो अच्छी बात है। किसका आंसर था ये? सर जो 2.3 है उसकी जगह सर 1.3 आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये किसने बताया था? अरे किसने बताया था? कोई बाहर से आवाज आई क्या? पड़ोस में से? सर वो 5.1 की जगह 3.1 है। ठीक है ना, कोई पड़ोसी आके बोल गया। चलो ठीक है चलो निपटाते हैं, बहुत देर हो गई। क्या पूछा था? g of fx। ठीक है पहले इसका, चलो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। जी के पास क्या है? 1 की वैल्यू 3 आ रही है, 2 की वैल्यू भी 3 आ रही है और इस 5 की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है अब जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी के अंदर एफ एक्स रखना है। यस सर। ठीक है तो मुझे बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? बोलो 1 to 5। गॉस की डोमेन क्या होती है? जी की डोमेन। फिर देखो इतनी पूरी मेहनत करिए सब बिगाड़ जाएगा। एफ की होती है ना, एफ की डोमेन। तो फिर गॉस की डोमेन क्या होती है? एफ की डोमेन के बराबर। तो डोमेन क्या होगी? 1, 3 और 4 आया ना? यस सर। तो आपको एक तो 1 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है और देखते हैं उसके करस्पोंडिंग आउटपुट आता है कि नहीं आता है। ठीक है तो बेसिकली आपको एक एक करके वैल्यू रख के देखते हैं। सबसे पहले 1 रखते हैं तो जी ऑफ एफ ऑफ 1। बहुत आसान क्वेश्चन था, पता नहीं आप आंसर क्यों नहीं लग पाए। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की करस्पोंडिंग वैल्यू कितनी आ रही? 2। अब जी के अंदर अगर 2 जाएगा तो आउटपुट कितना आएगा? 3। तो बेसिकली एक्स इनपुट 1 रखने पे आउटपुट कितना आ रहा है? 3। तो एक आंसर कितना आ जाएगा? 1.3। आया समझ में? हाँ ये तो आ गया, क्लियर है। अब दूसरा क्या रखोगे? डोमेन क्या है? यही कहा था ना, इससे पहली स्टेप इंपॉर्टेंट थी। गॉस की डोमेन क्या होगी? फॉक की डोमेन के बराबर। और फॉक की डोमेन क्या है? 1, 3 और 4। तो आपको बस ये 3 ही रखना था। एक्स को अगला क्या रखोगे? 3 रखोगे। तो एक्स की जगह 3 रखोगे मतलब एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? 2। एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5। जी के अंदर 5 जाएगा तो क्या आएगा? 1। 5 जाएगा तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यस सर। यस सर। 3 रखने पे 1 आ रहा है तो एक आंसर क्या आएगा? 3.1। लास्ट एक्स को क्या रखोगे? 4। बताओ एक्स को 4 रखने पे जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कितना है? 1। जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 कितना है? 3। तो 4 रखने पे आंसर कितना आ रहा है? 3। तो आपका आंसर फाइनल क्या आएगा? 1.3, 3.1 और 4.3। ये क्या टफ था? नो सर। तो फिर आप बता दो सर, इतना सब कुछ सिखाया मैंने आपको कि गॉस की, इसे चिल्ला चिल्ला के गॉस की डोमेन किसके बराबर होगी? जी एफ की डोमेन के बराबर है ना? यस सर। और रेंज जो होगी वो जी का क्या होगी? सबसेट होगी। यहाँ पे भी लिखा था अभी अपन ने। ठीक है चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये तो आसान है। खैर f be the greatest integer function, fx क्या बोला गया है? greatest integer function। and g be the absolute value function, ये absolute value function कौन सा होता है? बोलो ये g कौन सा है? mod, very good, ये पता होना चाहिए। अब निकालो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? fog of -3/2 और gof of 4/3 की वैल्यू। आंसर गलत मत निकालना, एक ही बार में सही निकालना, बाद में मत बोलना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। फाइनल आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए। सर 2। ठीक है एक आंसर 2 आया, किसका आया? सर रोहित।
रोहित मुस्कान समृद्धि वेरी गुड, तीन बच्चों का टू आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो एक फटाफट मैं यहाँ पे भी लिखता जाता हूँ, एफ के अंदर जी रखना है, एफ के अंदर टू आ रहा है, एफ के अंदर जी रख दो, ठीक है एफ के अंदर जी रख दिया, और यहाँ पे बोला जी के अंदर एफ रख दो, रख देते हैं तो जी के अंदर एफ रख दिया, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप कर दो, माइनस थ्री बाई टू, तो यहाँ पे जैसे माइनस थ्री बाई टू रखेंगे तो प्लस थ्री बाई टू हो जाएगी, ठीक है। थ्री बाई टू मतलब 1.5, 1.5 मतलब 1, यहाँ पे 4 बाई थ्री, ग्रेट 4 बाई थ्री का 1 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1, 1 का मॉड कितना आएगा 1, 1 प्लस 1, वेरी गुड, क्लियर। यस सर। fx पता है, गॉफ gx पता है, बोला कि अगर fx और gofx इक्वल होंगे तो सॉल्यूशन सेट बताओ, जल्दी से कर लो। ठीक है, और किसी का आंसर कुछ आया है, जल्दी से बताओ, सी आ रहा है, ठीक है। तो फॉग और गॉफ अगर इक्वल है तो एफ के अंदर जी रखना है सबसे पहले, तो ये एफ है इसके अंदर जी रखना है, तो जहां पे एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, टू की पावर एक्स, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जी के अंदर एफ रखना है तो जी के अंदर एफ रख दो, तो जहां पे एक्स उसकी जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा टू की पावर एक्स स्क्वायर, सही किया क्या मैंने? यस सर। देखो तो एफ के अंदर जी रखना था, तो अपन ने टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे जी के अंदर एफ रखना था, तो जहां पे एक्स था उसकी जगह एक्स आ गया, तो टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर, टू की पावर एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, टू की पावर एक्स स्क्वायर ही होगा ना, ठीक है, और यहाँ पे भी टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो हमेशा इक्वल होंगे, आया ना सर? वहां पे तो 2 की पावर 2x होगा ना, कहां पे सर? ये सम मल्टीप्लाई हो जाएगा। हां देखो, ये लास्ट क्लास में एक बच्चे ने गलती करी थी, इसलिए मैंने जानबूझ के लिख दिया, ये सही लिखा है? नो सर। यहां पे ये कोई ये प्रॉपर्टी लगती है, a की पावर m की होल पावर n, बताओ ये प्रॉपर्टी क्या होती थी? a की पावर m * n, a की पावर m * n, पावर की पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, यहां पे क्या आ जाएगा? 2x, a की पावर 2x, 2x, अच्छा। अब यहाँ पे तो कोई, ये तो चलो ठीक है, ये तो एक छोटी मिस्टेक, एक एक और चीज जो है जो जनरली बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में आके, देखो कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कंपोजिट वाले फंक्शन है ना, आपसे गलती कहाँ पे करवाएंगे, डोमेन और रेंज में, ठीक है। तो आपको हमेशा जब भी आप जो भी डिफाइन कर रहे हो, फॉग या गॉफ, इनकी डोमेन आपको एकदम प्रॉपरली डिफाइन होनी पड़ेगी। जैसे अगर मुझे ये बताओ फॉग की डोमेन क्या होगी, किसके बराबर होगी फॉग की डोमेन? g of x, gx की डोमेन के बराबर है ना, वेरी गुड। और जो गॉफ की डोमेन होगी वो फॉग की, fx की, fx की, ये सबको समझ में आता है? तो ये आपको है ना हमेशा चेक करना है कि अपन इनपुट क्या रख रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से अब इन दोनों को इक्वेट किया है तो देखना पड़ेगा इनमें कॉमन सॉल्यूशन कितना है, ठीक। तो मुझे ये बताओ फॉग आपने निकाल लिया और गॉफ आपने निकाल लिया, फॉग आपको आ रहा है 2 की पावर 2x और गॉफ आपका आ रहा है 2 की पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से एक तो अपन देख लेते क्या है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकते हैं, पहली बात तो इसका सॉल्यूशन तो कैसे निकालेंगे, पावर को अगर मैं इक्वेट कर दूं 2x = x स्क्वायर, ठीक है,
अब मुझे ये देखना है कि क्या दोनों तरफ इनपुट सेम जाएगा, यहाँ पे मेरा इनपुट क्या जाएगा बताओ। अगर दो पहले ये चेक करें, गॉफ के अंदर इनपुट बताओ क्या होगा, डोमेन इसकी, गॉफ की डोमेन बताओ सर, और रियल नंबर्स। क्या ये सही बताया कि गलत है, गॉफ की डोमेन ऑल रियल नंबर बोल रहे, क्या ये सही कि गलत है? बाकी लोग इसकी डोमेन क्या होती, टू की पावर एक्स की, रिवाइज ही नहीं कर रहे और ये मतलब क्या करते हो फिगर पे, एक तो इतनी क्लासेस का आपको टाइम मिल जाता है, इतनी बीच बीच में क्लासेस नहीं होती है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं रखोगे तो जेई के क्वेश्चन होंगे नहीं, ये मतलब ही नहीं है कोई क्लासेस करने का अगर आप पुरानी चीजें भूलते जाओगे तो। जितने भी आज मैंने क्वेश्चन करवाए हर जगह पुराना कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर, ये तो कितनी बार आया है और इसका ग्राफ तो रटा होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 की पावर एक्स इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अगर अभी भी आंसर नहीं दे पा रहे हो मतलब आप पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आपकी अगर जब क्लासेस नहीं लगती है, क्लासेस कोई छूट जाती है तो बैठ के पुराना रिवाइज करा करो ना, यहाँ पे डोमेन ऑल रियल नंबर, इसकी डोमेन बताओ आप कितनी होगी, बताओ फॉक की डोमेन कितनी होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन पूछ रहा हूँ मैं डोमेन पूछ रहा हूँ ना मैं, डोमेन मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर है ना, यहाँ पे ऑल रियल नंबर, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही इस केस में, यहाँ पे जान पूछ के मैंने लिखवाया, अगर यहाँ पे मान लो डोमेन कुछ और आ जाती तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता, फाइनल जो आंसर आता उसके हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी अब ऑल रियल नंबर अलाउड है, यहाँ पे भी ऑल रियल नंबर अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन का कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे किसी एक को उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट एक्स काट मत देना, ये भी गलती करते हैं कि एक्स कैंसिल आउट कर देते हैं, डायरेक्ट एक्स कैंसिल आउट नहीं करना है क्योंकि हमको पता नहीं है एक्स जीरो है कि नहीं है, यहाँ से एक्स कॉमन लोगे एक्स माइनस टू आएगा, क्या क्या आंसर आएगा, दो फैक्टर आएंगे एक्स को जीरो और टू, तो आंसर अब आएगा जीरो को मत, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो आपका आता पॉजिटिव रियल नंबर या फिर ऐसा कुछ आता, यहाँ पे आता मान लो ग्रेटर देन 4 या 5, तो आपको फिर कॉमन देखना पड़ता कि कॉमन आंसर क्या है, ठीक है, इंटरसेक्शन। इसलिए कभी भी ये गॉफ और इसके क्वेश्चन आते हैं हमेशा पहले डोमेन देख लिया करो, और डोमेन निकालना अभी सीखा है, गॉफ की डोमेन जीएक्स की डोमेन के बराबर होगी, फॉक की डोमेन सॉरी गॉफ की डोमेन एफ एक्स की डोमेन के बराबर होगी, और फॉक की डोमेन जी एक्स की डोमेन के बराबर, तो इसको लिख लिख के याद कर लेना घर पे, चलो करो ये क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ गॉफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, टाइम भी हो गया जल्दी करो, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, less than 2 x less than 2, एक आंसर आ रहा है x less than 2, वेरी गुड, और देखते हैं बाकी आंसर क्या आ रहा है, इसके अलावा इसी का आंसर कुछ और आ रहा हो तो, गॉफ के बारे में पूछा है तो g के अंदर आपको f रखो, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा, सर जीरो से वन के बीच, अब यहाँ पे क्या रूट के अंदर एक क्वांटिटी आ रही है, अब देखो अच्छा मुझे बताओ एफ एक्स की डोमेन क्या है, कैसे निकालते हैं एफ एक्स की डोमेन,
बोलो लॉग की डोमेन कैसे निकालते थे? बोलो पॉजिटिव होना, ए ग्रेटर देन वन रहता था, ए तो वन बाई टू है, वो छोड़ो। लॉग के अंदर क्या प्रॉपर्टी सिखाई थी? बस इनपुट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, इतना टाइम कैसे लग रहा है? इनपुट क्या? टू माइनस एक्स शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा? लेस देन टू है ना? यस सर। ठीक है, ये आपकी एफ एक्स की डोमेन आ गई। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी सोचना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी रूट के अंदर है। किसके अंदर है? रूट के अंदर। तो मुझे एक्स की वैल्यू वो रखनी पड़ेगी जो इसका आउटपुट क्या है, कैसा आना चाहिए आउटपुट? ग्रेटर पॉजिटिव आना चाहिए। पूरा आउटपुट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। और लॉग तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यस सर। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो लॉग का ग्राफ है, लॉग ऑफ 1 बाई 2 2 माइनस एक्स, तो बेस क्या है? 1 से छोटा। इसका ग्राफ कैसा होता है याद है? अगर बेस 1 से छोटा हो, 0 से 1 के बीच में हो, तो लॉग का ग्राफ कैसा होता था? बनाओ अपनी अपनी कॉपी में एक बार। वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए, जब बेस मेरा 0 से 1 के बीच में हो तो ग्राफ कैसा बनता है? बनाओ अपनी अपनी कॉपी में। देखो याद है कि नहीं आप लोगों को? बना लिया? यस सर। सबने बनाया? बेस अगर 0 से 1 के बीच में हुआ, ये लॉग ऑफ बेस ए अगर 0 से 1 के बीच में, उसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा क्या? देखो। यस सर। वेरी गुड। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? जो लॉग का आउटपुट है, बेसिकली इस पूरे की वैल्यू कैसी चाहिए मुझे? पॉजिटिव चाहिए, आया ना? बोलो। ये रूट के अंदर आ रहा, तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इस ग्राफ में पॉजिटिव क्वांटिटी कहाँ पे आ रही है? ये वाली आ रही। तो बेसिकली ये पोर्शन ऑफ द ग्राफ चाहिए मुझे, क्या ये वाला अलाउड होगा, नीचे वाला? नो सर। अब इस पोर्शन ऑफ द ग्राफ के लिए इनपुट कहां से कहां तक होना चाहिए? ये वाला। यस सर। तो बेसिकली मेरा जो लॉग के अंदर इनपुट है वो कैसा होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में। मेरा जो लॉग के अंदर इनपुट है ये ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, लेकिन 1 से भी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये जो लॉग के अंदर इनपुट है ये मेरा किसके बीच में होना चाहिए? 0 से लेके 1 के बीच में। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां से बताओ x यहां से क्या हो जाएगा? दोनों तरफ 2 सबट्रैक्ट कर देंगे। 2 सबट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 से लेके 2। आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा? 1 से 2। बोलो आया समझ में? अच्छा, किसी पे क्लोज भी आ सकता है? 2 रखने पे टू, नहीं नहीं 2 नहीं रख सकते, 1 भी नहीं रख सकते, ओपन ही आया। ठीक, सही है? 1 रख सकते हैं क्या? हाँ 1 रख सकते हैं। क्लोज ब्रैकेट 1, क्योंकि 1 रखोगे तो लॉग 1 आएगा, लॉग 1 0 होता है, 0 अलाउड है। ठीक है, सब लोग एक चीज लिखो कॉपी में, फाइनल समरी। मतलब फाइनल समरी नहीं, जो ज्यादा है, मतलब एक्यूरेट आंसर है, स्टार्टिंग में लिखा देता हूँ लेक्चर के। ज्यादा एक्यूरेसी सब क्या बोल सकते हो? बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो गॉफ क्या क्या था यहाँ पे, गॉफ जो गॉफ की डोमेन थी वो एफ की डोमेन का क्या थी यहाँ पे? सबसेट है ना? ठीक है, अपन इसको प्रॉपरली यहाँ लिखते रुको स्टार्टिंग में। कंपोजिट फंक्शन मतलब एफ ऑफ डीएक्स, फॉग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो एफ के अंदर अपन क्या रखेंगे? आया ना? क्लियर है? अब देखो तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बेसिकली एक्स को हम वो रखेंगे जो जी एफ के अंदर अलाउड होगा। समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पे इसको ऐसे समझो, समझ पा रहे हो क्या? एक्स की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मान लो जी के हिसाब से, एक्स की वैल्यू मैं जी के हिसाब से रखूंगा, लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो एफ के हिसाब से होना चाहिए, है ना? यस सर। तो अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ गॉफ, तो ज्यादा बेस्ट आंसर क्या होगा, कैसा आना चाहिए डोमेन ऑफ गॉफ? सबसेट ऑफ एफ। हाँ, सबसेट ऑफ, सोच के बोलो, सबसेट ऑफ एफ के जी, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी ना, जी के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है एक्स, आया ना? यस सर। ठीक है, तो जो गॉफ की डोमेन होगी जी की डोमेन का सबसेट होगी। अब कैसे सोचेंगे? एक्स की वैल्यू मैं वो अलाउड करूंगा जो एफ के अंदर रेंज अलाउड, बेसिकली एफ के अंदर अलाउड होगा, मतलब जो जी की डोमेन, बेसिकली जो जी की रेंज आएगी
वो एफ की डोमेन का पार्ट होनी चाहिए, ये बोल सकता हूँ? यस सर। ठीक है, जो रेंज होगा वो एफ की डोमेन का क्या होना चाहिए? पार्ट होना चाहिए, मतलब रेंज ऑफ जी, जी का जो भी आउटपुट आएगा वो एफ का क्या होना चाहिए? एफ की डोमेन का सब पार्ट, मतलब इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। बहुत बड़ी लाइन है, ध्यान से देखो इस लाइन को, क्या है मैंने सही लिखी है या आपको अंदर बैटरी है कि नहीं दिमाग में, सोच के देखो। जिसको नहीं बैटरी दिमाग में एक बार वो पूछ लो, थोड़ा सोचो पहले खुद से। ये जो मैंने लाइन लिखी है, रेंज ऑफ जी शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स। देखो ध्यान से, हाँ है ना? अरे बोलो। यस सर। मैं ये कहने का ये मतलब है कि जो भी जी की वैल्यू आएगी वो ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो एफ के अंदर अलाउड हो, जो एफ के अंदर क्या हो, अलाउड हो। मतलब बेसिकली जो भी जी की वैल्यू आएगी वो एफ की जो डोमेन है एफ के अंदर अलाउड हो, मतलब एफ की डोमेन, मतलब एफ की डोमेन का क्या होगी? सबसेट होगी, है ना? ठीक है, याद रख लेना, या तो समझ के याद रख लेना, जैसा भी सही लगे, लेकिन इसको ध्यान रखना। ये फॉग के बारे में हो गया, दूसरा सोचते हैं गॉफ के बारे में। जी ऑफ एफ एक्स, तो जी के अंदर में क्या रखूंगा? एफ एक्स। एफ एक्स, ध्यान से बोलना, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान सुनना। तो जो अगर मैं डोमेन ऑफ गॉफ की बात करूं, किसकी बात करूं? डोमेन ऑफ गॉफ की, गॉफ के अंदर मैं क्या रख सकता हूं? तो मैं एक्स की वैल्यू वो रख पाऊंगा, एक्स की वैल्यू जो एक तो पहली बात जी के अंदर आनी, एफ के अंदर आनी चाहिए, है ना? दूसरी चीज, इसका जो आउटपुट होगा वो जी के अंदर अलाउड होना चाहिए, यस सर, है ना? तो यहाँ पे मैं बता क्या लिखूं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या आएगा इस तरह का, बताओ रेंज ऑफ किसकी आएगी? फंक्शन ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ एक्स कैसी होनी चाहिए, ये कैसा आना चाहिए आउटपुट, ये किसका पार्ट होना चाहिए? सर डोमेन, डोमेन ऑफ जी एक्स, मतलब ये जो भी इसका आउटपुट आएगा वो जी के अंदर अलाउड होना चाहिए, मतलब जी की डोमेन का क्या होना चाहिए? पार्ट होना चाहिए। और जो गॉफ की डोमेन होगी इज अ सबसेट ऑफ, बताओ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बुक्स में देखोगे, थ्योरी में देखोगे, लेकिन अंदर से फील आना चाहिए क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये कंपोजिट फंक्शन का जिस्ट है, और आपको मैंने ध्यान से यही बोला है कि आप जब भी आंसर निकालो चेक करो उसकी डोमेन और रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ये क्वेश्चन था, आया ना? डायरेक्टली आंसर निकालोगे क्या? नो सर। नो सर, चेक करना पड़ेगा इसकी डोमेन और रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते, अच्छा यहाँ पे तो फिर अप्लाई नहीं हो, आउटपुट ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दिया मैंने सब कुछ, अपन ने क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया थोड़ा बहुत आपको? और ध्यान रखना, ये जो बार बार मैं डोमेन निकाल रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में आपको और क्लियरिटी आ गई थी, कौन सा था ये? हाँ ये वाला, कि डोमेन ऑफ एफ एक्स जो होगी क्या आ रही थी, डिपेंड करेगी कि जी के अंदर क्या इनपुट अलाउड है, हाँ है ना? ठीक है चलो, बेसिकली यहाँ पे जैसे गॉफ है तो जी के अंदर एफ एक्स आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? रेंज ऑफ एफ एक्स, बोलो क्या होगा? should be domain of gx, subset of domain of gx, very good, domain of gx, वो हमको लेना है। अब gx की domain क्या है? all positive number, आया ना? g की domain क्या है? all positive number, तो मतलब basically इसकी पूरे part में मुझे कौन सा लेना है? positive part, कौन सा लेना है? positive part, positive, very good, चलो। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, तो आप घर पे एक बार ट्राई करना कंपोजिट के, बचे हुए क्वेश्चन हम ट्राई नहीं कर पाए, इनके सॉल्यूशन भी हैं। तो अगली क्लास में अपना इनवर्स बाकी रहेगा, इनवर्स अपने मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही कंबाइन कर लेंगे, तो बेसिकली फंक्शन का तो पोर्शन हो गया लगभग खत्म, इनवर्स को छोड़ के, ठीक है चलो। समझ में आया लेक्चर आज का? यस ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय सर। नोट्स भेज देता हूं पिछली क्लास के भी। हां नोट्स भेज देता हूं सर, असाइनमेंट नहीं मिलेगा वर्ड इवन से? असाइनमेंट आपके मॉड्यूल में, आप देखो ना मॉड्यूल में सब पर दिया है पार्ट वाइज, वो जो मॉड्यूल है ना पीडीएफ फंक्शन मॉड्यूल,